जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अर्थ, सन और मून से जुड़े हुए कुछ फिनोमेनन के बारे में बात करेंगे। अर्थ और सन से रिलेटेड फिनोमेनन को बोलते हैं पेरिहिलियन और एपिहिलियन, और अर्थ और मून से रिलेटेड फिनोमेनन को बोलते हैं पेरिजी और एपिजी। तो पहले हम लोग अर्थ और सन से रिलेटेड फिनोमेनन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सन से अर्थ की एवरेज डिस्टेंस है 149 मिलियन किलोमीटर, यानी 14,90,00,000 किलोमीटर सन और अर्थ की दूरी है। लेकिन ऐसी दो परिस्थितियां हैं जिनमें अर्थ और सन बिल्कुल पास होते हैं, या अर्थ और सन बहुत ही दूर होते हैं, सबसे ज़्यादा दूर होते हैं। तो इन्हीं स्थितियों को पेरिहिलियन और एपिहिलियन, यानी उपसौर और अपसौर बोला जाता है। तो आइए बात करते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, सन अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है और अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। रोटेट वो अपने अराउंड करता है और रिवॉल्व वो सन के अराउंड करता है, यानी वो सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो जब वो सन के चारों ओर चक्कर लगाता है तो साल में दो स्थिति ऐसी बन जाती हैं कि जब अर्थ और सन बिल्कुल पास होते हैं और सन और अर्थ सबसे ज़्यादा दूर होते हैं। तो देखिए, जब अर्थ और सन सबसे पास में होंगे, यानी अर्थ से सन की दूरी सबसे कम होगी, तब उसे पेरिहिलियन की सिचुएशन बोलेंगे, यानी उसे अपसौर की स्थिति बोली जाएगी। ये देखिए, अर्थ से सन आपको बिल्कुल पास में दिख रहा होगा और ये दूरी सबसे कम वाली जो दूरी होती है वो होती है 147 मिलियन किलोमीटर, और एवरेज हमारा क्या है 149 मिलियन किलोमीटर, यानी 2 मिलियन किलोमीटर कम हो जाता है ये। और पेरिहिलियन की सिचुएशन बनती है 3 जनवरी को, यानी 3 जनवरी को सन अर्थ से बिल्कुल पास में, बिल्कुल करीब होता है। अच्छा, इसे हेलियन क्यों बोलते हैं? हेलियन का मतलब होता है रिलेटेड टू सन, सौर का मतलब होता है कि सूरज से रिलेटेड या सूरज से संबंधित। तो चूंकि ये घटना सूर्य से रिलेटेड है, इसीलिए उपसौर बोला जाता है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि अर्थ और सन साल भर में सबसे ज़्यादा दूरी पर जब होंगे तब उसे एपिहिलियन की स्थिति बोली जाएगी, यानी उपसौर की स्थिति तब होगी जब सन से अर्थ की दूरी सबसे ज़्यादा होगी। और ये दूरी कितनी होती है? 152 किलोमीटर, यानी एवरेज से 3 मिलियन किलोमीटर ज़्यादा। तो एपिहिलियन की स्थिति होती कब है? 4 जुलाई को होता है। 4 जुलाई को सन अर्थ से सबसे ज़्यादा दूरी पर होता है और 3 जनवरी को सन अर्थ से सबसे पास में होता है। तो ये तो हो गई सूरज से जुड़ी हुई घटना, जो कि पेरिहिलियन और एपिहिलियन नाम से जानी जाती है। अब हम आते हैं मून और अर्थ से रिलेटेड फिनोमेनन में। देखिए, जिस तरह हमारी अर्थ हमारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसी तरह हमारा चंद्रमा भी हमारी धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ये है मून की ऑर्बिट, यानी मून अपनी ऑर्बिट पे चक्कर लगा रहा है चंद्रमा धरती के, और ये तकरीबन 28 दिन में अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। तो सेम सिचुएशन यहाँ भी क्रिएट हो जाती है। तो देखिए, अर्थ से मून की दूरी है 384,000 किलोमीटर। इसमें एवरेज नहीं है, ये एकदम एग्जैक्ट दूरी है या एग्जैक्ट मेजरमेंट है कि 384,000 किलोमीटर से मून और अर्थ की दूरी है। तो देखिए, जब मून और अर्थ सबसे पास में होंगे या सबसे कम दूरी पे होंगे, तब उसे पेरिजी की सिचुएशन बोला जाएगा। तो उपभू क्या है? उपभू वह स्थिति है जब मून चंद्रमा अर्थ के सबसे करीब होता है। वहीं दूसरी ओर एपोजी की सिचुएशन तब होती है जब अर्थ से मून सबसे ज़्यादा दूर होता है, यानी फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ इज सेड टू बी एज एपोजी। तो अपभू क्या होता है? धरती से चंद्रमा की मैक्सिमम दूरी को अपभू की सिचुएशन कहा जाता है। तो अब मुझे लगता है कि आपको इन चारों टर्म्स की एपिहिलियन क्या होता है, पेरिहिलियन क्या होता है, पेरिजी क्या होता है और एपोजी क्या होता है, ये क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहें और आपके नॉलेज में एनहेंसमेंट होने लगे। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।